जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है, इसमें हम बात करेंगे आपसे एक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर, यानी जो क्रश्ड ओर आपने हासिल कर लिया, यानी कंसंट्रेशन के प्रोसेस के बाद जो आपको ओर हासिल हुआ, उसमें आज हम करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है स्टूडेंट्स, ये की जा सकती है तीन मेथड से, ठीक है। पहला जो मेथड है, दैट इज नोन एज रोस्टिंग। दूसरा जो है मेथड, दैट इज नोन एज स्मेल्टिंग। और तीसरा जो मेथड है, दैट इज नोन एज बेसिमराइजेशन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास तीन मेथड्स हैं जिनको फॉलो करके हम एक्सट्रैक्शन करेंगे, यानी जो अपना मेटल है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। कैल्कोपाइराइट, CuFe S2, दैट इज कैल्कोपाइराइट। कैल्कोपाराइट से जो है हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी हम करेंगे एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। और कॉपर जो है इसको सिंबल Cu है, और क्यूप्रम जो है इसका लातिनी नाम है, दैट्स वाई आपको सिंबल जो है वो Cu नजर आता है। सो स्टूडेंट्स, जो एक्सट्रैक्शन है ये कैसे पॉसिबल है, तो उसमें हम सबसे पहले जो है बात करेंगे आपसे रोस्टिंग की। जैसे चरगा वगैरह रोस्ट होता है, ऐसे ही कंसंट्रेटेड ओर को जो है वो हम रोस्ट करेंगे। लिहाजा अभी हम आपसे बात कर लेते हैं रोस्टिंग की, कि रोस्टिंग जो है वो कैसे की जाती है, राइट। सो रोस्टिंग के लिए ये होता है कि आप एक ब्लास्ट फर्नेस ले लेते हो, और ब्लास्ट फर्नेस जो है उसमें आप कह लो कि जो रोस्टेड ओर है, ये कह लें कि क्रश्ड ओर है, क्रश्ड ओर यानी क्रश्ड कैल्कोपाइराइट, कैल्कोपाइराइट यानी CuFeS2 ये आप डालोगे। और व्हेन यू प्लेस दिस CuFeS2 यानी कैल्कोपाइराइट, तो ये क्या होगा, ये इस ये भट्टी है, इसको हम ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। तो इस ब्लास्ट फर्नेस में आने के बाद आप कह लो कि ये जो कैल्कोपाइराइट है ये हीट अप होगा, यू नो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर, मोर देन 1500 डिग्री सेल्सियस। तो इसको क्या होगा कि इसका तो बहुत ज्यादा जो है ना, बस बारबेक्यू होने वाला, राइट। सो ये कैल्कोपाइराइट जो कंसंट्रेटेड ओर है, इसको हम बहुत ज्यादा हीट करेंगे इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, राइट। अब इसमें स्टूडेंट्स ये सीन होगा कि डेफिनेटली आप हवा की मौजूदगी में जो है इसको गर्म कर रहे हो, यानी बहुत सी जो हवा है वो भी आप दे रहे हो इस मिक्सचर को, या कह लो इस ओर को जो ऊपर से फेंक रहे हो। तो आपको इसको हीट करने से एक मिक्सचर मिलेगा, दैट इज क्यूपरस सल्फाइड, ठीक है। और साथ क्यूपर सल्फाइड के आपको मिलेगा आयरन सल्फाइड, तो Cu2S, ठीक है, ये क्यूपरस सल्फाइड कहलाएगा, क्यूपरस सल्फाइड, क्योंकि इसमें जो कॉपर की वैलेंसी है वो +1 है, कॉपर प्लस वन, सल्फर -2, तो इस तरह ये कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। दो कॉपर है और एक सल्फर है, और ये आयरन सल्फाइड है, आयरन +2 होगा, सल्फर -2 होगा, कैंसिल हो जाएंगे और ये आयरन सल्फाइड है। लेकिन ये इक्वेशन जो है हम कैसे बना सकते हैं, इसमें ये होगा कि CuFeS2 जो है इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन हियर, ये ऑक्सीजन जो है ये मिल जाएगी कैल्कोपाइराइट के साथ, और ये दोनों बॉडीज जो है आपस में रिएक्ट करेंगी, और इन द एंड आपको मिलेगा Cu2S प्लस FeS प्लस कुछ वोलेटाइल गैसेस बनेंगी, यानी ऑक्सीजन कुछ ये इम्प्योरिटीज के साथ मिलकर जो है गैस बनकर जो है वो उड़ जाएगा। सो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, आपको यहाँ से ये मिक्सचर मिलेगा, ये रोस्टेड हुआ मिक्सचर है, यानी आपको जो मिक्सचर मिलेगा जिसमें क्यूपरस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड है, इसको फिर आप अगले प्रोसेस के लिए लेकर जाओगे जिसको आप स्मेल्टिंग कहोगे। तो लिहाजा ब्लास्ट फर्नेस में क्यूपरस सल्फाइड आपको मिलेगा और आयरन सल्फाइड मिलेगा, अगर ये बात आपको याद रह जाती है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी आप ओर की क्या कर रहे हो, ऑक्सीडेशन कर रहे हो, और आप इसको बैलेंस भी कर लो, इसमें आप 2 मोल्स यहाँ लोगे और 2 मोल्स जो है वो आयरन सल्फाइड जो है वो बनेगा। तो ये तो हमारे पास इक्वेशन थी जिसमें हमने इसको फॉलोअप कर लिया। अब अगली इक्वेशन की तरफ चलते हैं और स्मेल्टिंग को
प्रॉपरली समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट अब आपने एक अहम प्रोसेस करना है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में आपको तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, रोस्टेड ओर, डेफिनेटली रोस्टेड ओर जो था एक मिक्सर था अभी जो आपने हासिल किया था Cu2S विद आयरन सल्फाइड, और आपको चाहिए होगा साथ सैंड फ्लक्स। सैंड फ्लक्स आप कह रहे हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड को कहोगे, और साथ आपको चाहिए होगा कोक, कोक आप कार्बन को कहोगे, ठीक है। लेकिन इसका जिक्र एसएच आपकी इक्वेशंस में नहीं होगा, हालांकि इसका होना चाहिए था। ये हमारे पास जो है एक ब्लास्ट फर्नेस है, वंस अगेन ये इसका पैंदा है, इसके दो कंपार्टमेंट्स हैं, यहाँ से आप कह लो कि स्लैग बाहर आएगा, और बल्कि मैं साइड पे बना देता हूँ, यहाँ से ये कंपार्टमेंट है, ये स्लैग बाहर आएगा। अब आप सोच रहे होगे कि स्लैग क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। और यहाँ से आपको जो है मेल्टेड कॉपर हासिल होगा, जिसको आप मेटे भी कह सकते, ये मैं बाद में आपको बताऊँगा। अब सीन क्या और है कि ये हमारे पास ब्लास्ट फर्नेस है, यहाँ से आप हवा जो है वो एंटर करोगे, याद रखो हवा की मौजूदगी में ये सारा प्रोसेस होगा। ऊपर से आप कोक डाल रहे हो, सिलिकॉन डाइऑक्साइड डाल रहे हो, और सबसे बढ़कर आप ये मिक्सचर डाल रहे हो जो आपने रोस्टेड मिक्सचर हासिल किया है पिछली इक्वेशन से FES। ये तीन चीज़ें जो है आप यूज़ कर रहे हो, और इसको ब्लास्ट फर्नेस में आप जो है आप लेकर जाओगे, ठीक है। तो अब सीन क्या होगा नेक्स्ट वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको ऐड कर देता हूँ कि कोक क्यों चाहिए, मैं आपको भी बताता हूँ इसके साथ क्या होगा। कोक इसलिए चाहिए क्योंकि ये सारा जो रिएक्शन है ये एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है। और ये हाईली एक्सोथर्मिक होगा, और ये इसमें फिर हाईली एक्सोथर्मिक मतलब बहुत ही हीट जो है इस रिएक्शन के दौरान बाहर रहेगी। और मैं आपको बता चलूँ से इसकी बात बुक में की नहीं गई कि कार्बन की बहुत ही ऑक्सीजन तो ऑलरेडी यहाँ पे होगी, तो कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आपको ये भी बता चलूँ कि पहले कार्बन मोनो बनती है, और कार्बन मोनो से मजीद ऑक्सीजन बनती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो यू कैन से कि ऊपर वाले इस जगह पे जो है कार्बन मोनो जो है वो बन रही है, और थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो कार्बन डाई बन रही है। तो यहाँ पे वर्टिकल टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम होगा, और ऊपर थोड़ा सा जो है वो टेम्परेचर कम होगा। रीजन बता रहा हूँ कि कार्बन मोनो का बनना जो है ना एंडोथर्मिक है, यानी इसके बनने से हीट अंदर की तरफ जाती है, इसका बनना हीट को अंदर ले जाता है, यानी सिस्टम में हीट कम हो जाती है। और कार्बन डाई के बनने से, इसके बनने से हीट बाहर आती है, तो लिहाजा यू कैन से कि हीट बाहर आने से भट्टी का टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, तो इसलिए इस जगह पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो अभी जो हमने रिएक्शन करना है वो इस मिक्सचर का करना है, और इस सैंड फ्लक्स को फिर बाद में इस्तेमाल करना है इस रिएक्शन के अंदर। तो लिहाजा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब मिक्सचर में से हम ऐसा करते हैं कि पहले जो है इसको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, फिर इसको हम बाद में ऑक्सीडाइज करेंगे, क्योंकि देखो जब ये गिरेगा अंदर तो ये भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, यू नो लॉट ऑफ ऑक्सीजन इज कमिंग, तो ये भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, और फिर बाद में डेफिनेटली ये मिक्सचर का हिस्सा भी है तो ये भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। तो हमारे पास दो किस्म के रिएक्शन जो हो जाएंगे। तो पहले हम आयरन सल्फाइड का रिएक्शन कर लेते हैं, सो FeS, राइट, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा FeSO2 जो है ये आयरन सल्फाइड है और ये ऑक्सीजन है, और इससे आयरन ऑक्साइड बनेगा और साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। स्टूडेंट्स अभी जो आयरन ऑक्साइड बना है ना, यू कैन से कि ये हमारे पास लेट्स से दैट एक ब्लास्ट फर्नेस है, और इसमें ये आयरन सल्फाइड गिरा और ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ, और फिर क्या हो रहा है कि इसके रिएक्ट करने से क्या बन रहा है FeO यानी आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये तो गैस तो निकल जाएगी, लेकिन जो आयरन ऑक्साइड होगा ना स्टूडेंट्स, ये सिलिका जो आप यूज़ कर रहे हो सैंड फ्लक्स, ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, यानी जो आयरन ऑक्साइड है ये रिएक्ट कर जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ, और ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन मिलकर सिलिकेट रेडिकल बनेगा। सिलिकेट नेगेटिव 2 होता है, आयरन जो है वो पॉजिटिव 2 होता है, तो ये दोनों मिल जाएंगे आपस में, और आपके पास एक कंपाउंड बनेगा FeSiO3, दैट इज आयरन सिलिकेट। स्टूडेंट्स आयरन सिलिकेट को आप स्लैग भी कहोगे, ठीक है, इसको आप स्लैग कहोगे, और अमूमन बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि स्लैग क्या होता है। तो आप याद रखो कि आयरन सल्फाइड के ऑक्सीडाइज होने से, और फिर आयरन ऑक्साइड के ऑक्सीडाइज होकर जो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, आयरन ऑक्साइड के सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने से
बाद में बन जाता है आयरन सिलिकेट, जिसको हम स्लैग भी कहते हैं। अब ये स्लैग बन गया, लेट्स से दैट ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड और ये मिले आपस में, और डेफिनेटली ये दोनों के मिलने से जो है स्लैग बना, यानी FeSiO3 स्लैग। और ये क्या निकलेगा, इस यहाँ से बाहर आ जाएगा और यहाँ से अलग एक कंपार्टमेंट में, टब में जो है आप इसको क्या करोगे, इकट्ठा कर लोगे। तो ये तो आपकी एक इक्वेशन हो गई जो हमें समझा रही है कि आप कैसे हासिल कर लोगे स्लैग। अब हमारे पास मिक्सर में ये तो यूज़ हो गया, लेकिन ये यूज़ नहीं हुआ विच इज़ क्यूपरस सल्फाइड, तो इसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो क्यूपरस सल्फाइड की अगर हम इक्वेशन की तरफ देखें तो क्यूपरस सल्फाइड है इन C2S, ये भी ऑक्सीडाइज होगा। और स्टूडेंट्स ये ऑक्सीडाइज होने के बाद जो है क्यूपरस ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, ये क्या बना देगा, क्यूपरस ऑक्साइड। और ये भी बनाएगा सल्फर के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यू कैन से कि क्यूपरस ऑक्साइड बनेगी। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जो हमारे पास आयरन सल्फाइड है ना, यानी ये जो मिक्सचर ऊपर से गिर रहा था, डेफिनेटली जब ऑक्सीडाइज हुआ तो फिर कुछ आयरन ऑक्साइड बना, और आयरन ऑक्साइड के साथ सल्फर डाई बनी, यानी यू कैन से कि आयरन ऑक्साइड जब आयरन सल्फाइड ने जब रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो ये बना आयरन ऑक्साइड सल्फर डाई। सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस बनकर निकल गई, इम्प्योरिटी थी, तो आयरन सल्फाइड कन्वर्ट हो गया आयरन ऑक्साइड में। लेकिन ये शर्त नहीं है कि सारा का सारा आयरन सल्फाइड जो है वो रिएक्ट कर गया होगा ऑक्सीजन के साथ, यानी सारा का सारा आयरन सल्फाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया होगा, सारा का सारा आयरन ऑक्साइड बन गया होगा, ये शर्त नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो कहने के आयरन सल्फाइड जो है वो मिक्सर में क्या होगा, बच गया होगा। तो वही समझ लो कि जो हमारे पास आयरन सल्फाइड है वो जो क्यूपर सल्फाइड है उसके ऑक्सीडाइज हुए प्रोडक्ट, यानी क्यूपर सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, ये वाला कंपाउंडेट से जब ये हमारे पास कुछ आयरन सल्फाइड बच गया, इसकी हम रेस कर देते हैं। और अब जो हमारे पास क्यूपरस सल्फाइड है, क्यूपरस सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और हमारे पास मुझे CuO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये मिक्सचर से बाहर चला जाएगा। अब ये जो आयरन ऑक्साइड है, क्यूपरस ऑक्साइड है ना स्टूडेंट्स, दिस कॉल्ड एज क्यूपरस ऑक्साइड। क्यूपरस ऑक्साइड जो है ये किससे रिएक्ट करेगा, बचे हुए आयरन सल्फाइड के साथ, ठीक है, यानी क्यूपरस ऑक्साइड जो कि बना है प्रोडक्ट में वो बचे हुए आयरन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा और बन जाएगा आपके पास क्या, आपके पास दोबारा से बन जाएगा समथिंग लाइक क्यूपरस सल्फाइड, ठीक है, यानी ये बन जाएगा क्यूपरस सल्फाइड। इससे क्या होगा कि क्यूपरस सल्फाइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी और साथ बन जाएगा आपके ये क्यूपर तो मिल गया सल्फर के साथ, क्यूपरस सल्फाइड और आयरन ऑक्साइड के साथ मिल जाएगा और बन जाएगा आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड आपको पता है कि ये मजीद रिएक्ट कर जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ और सिलिकेट्स में, यानी आयरन ऑक्साइड तो चला जाएगा लेकिन आपको इस मिक्सचर में ये ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती हुई नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो आप कह लो कि आपको जो है इन दी एंड यहाँ से मिलेगा मेटे, यहाँ से आपको प्रोडक्ट नीचे मिलेगी, मेटे होगा, उसमें कहते हैं कि 45% तक कॉपर जो है आपको मिलेगा, ठीक है। तो 45% तक जो है वो कॉपर आपको मिलेगा। और देखें शुरू में आपने क्यूपरस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड यूज़ किया था, अब बहुत सा आयरन सल्फाइड जो है वो सारा स्लैग बन के चला गया है, यानी आयरन सल्फाइड बहुत मिक्सचर में अब कम रह गया है लेकिन अभी भी है इतना मैं आपको बताऊँ। और क्यूपरस सल्फाइड भी बहुत सा ऑक्सीडाइज हुआ, क्यूपरस ऑक्साइड बना, लेकिन क्यूपरस ऑक्साइड बचे हुए आयरन सल्फाइड से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाया और आयरन स्लैग बन गया। तो अब यू कैन से कि आपके पास क्यूपरस ऑक्साइड जो मिक्सचर में बन रहा था वो तो दोबारा से रिएक्ट करता गया आयरन सल्फाइड के साथ और क्यूपरस सल्फाइड ही आपका ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो आप कह लो कि अगर आप ये दो इक्वेशंस को लेते हो, ठीक है, तो यू कैन से दैट कि एज अ होल यहाँ पर क्या सीन हो रहा है, ये वाला और ये वाला प्रोडक्ट कट रहा है आपस में, ठीक है, और ऑक्साइड भी आपस में कट रहे हैं। और यू कैन से कि आयरन सल्फाइड एज अ होल ऑक्सीडाइज होकर सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है और आयरन ऑक्साइड बन रहा है, इस रिएक्शन में एज अ होल यही हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारी एक खिचड़ी सी बन गई है, आप रिवाइज करके इसको दोबारा देख सकते हैं। पर ये आपको पता होना चाहिए कि एज अ होल इन दोनों के नीचे आने से, गर्म होने से, हीट अप होने से आयरन जो मिक्सर आपने लिया था, रोस्टेड ओर लिया था, उसमें भी क्यूपरस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड था। याद रखिएगा रोस्टिंग के प्रोसेस में आपको रोस्टेड ओर मिलता है, उसमें आयरन सल्फाइड की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब आप इसकी स्मेल्टिंग कर लेते हो, स्मेल्टिंग करने के बाद आयरन सल्फाइड की मिकदार बहुत कम हो जाती है और क्यूपरस सल्फाइड की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से आप कह लो कि इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम कह सकते हैं कि 45% तक क्यूपरस सल्फाइड जो है वो अब मिक्सचर में मौजूद है। तो इसलिए मिक्सचर को, यानी आप कह सकते हो सी यू
2s डॉट एफ ई एस, इस मिक्सर को आपने क्या नाम दे दिया, मेटे का नाम दे दिया। और स्टूडेंट्स मेटे को जो है सवाल भी बोर्ड में आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज मेटे, मेटे क्या होता है, एंड आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा मेटे क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आई तो अभी रिवाइज करें, एक बार और इसको देखें, क्योंकि जो मैंने समझाया है आई एम मेंटली राइट, मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक समझाया है और इसमें मैंने कोई गलती भी नहीं की है। दैट इज़ अगर कोई बैलेंसिंग में रह गई वो बात वो मैं कह नहीं सकता, बैलेंस कर देते हैं। ये दो मोल है और यहाँ पर डेफिनेटली फिर दो मोल ही बनेगा, आयरन और सल्फर दो हो गए तो दो मोल ही सल्फर बनेगा राइट। तो उसके बाद यहाँ पर क्यूपर सल्फाइड भी दो मोल ले लें आप, और मतलब मोल्स की कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर तीन मोल ऑक्सीजन ले लें और दो मोल क्यूपर ऑक्साइड ले लें, उन मोल आप बेशक आखिर में भी बराबर कर लें, लेकिन आपको जो है पता होना चाहिए कि आखिर रिएक्शंस होने के हैं। तो ये मिक्सचर था, इस मिक्सचर को ऑक्सीडाइज किया गया है, ये सेपरेटली ऑक्सीडाइज हुआ है और ये वाला सेपरेटली ऑक्सीडाइज हुआ है, ये वाला सेपरेटली ऑक्सीडाइज हुआ है, और फिर इनसे क्या रिएक्टिविटी हुई है वो मैंने आपको बताई है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, बेसमर, जो कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि इसको नोबेल प्राइज मिला ये बेसमर कन्वर्जन के ऊपर, तो लिहाजा बेसमराइजेशन की बात आपसे करते हैं ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स बेसमराइजेशन में ना एक टीयर शेप्ड आपने कन्वर्टर बनाना है, जैसे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, सीधा कर लें इसको ठीक है, और उसके बाद आप उसको थोड़ा टिल्ड कर लें यहाँ से ठीक है, और फिर लाइक ठीक है। अब ये पियर शेप बन गया और इसको पिवट्स लगा दें राइट, स्टक द पिवट्स ओवर हियर ओके। सो यहाँ पे आप पिवट लगा देंगे इसको और ये अब आपका तैयार हो गया है बेसमर कन्वर्टर। इसमें आपने यूज करना है मेटे, आपको याद होगा मेटे जो है उसमें 45% क्या होता है कॉपर होता है, या आपको बोर्ड में एमसीक्यू भी आ जाएगा। और मेटे होता क्या है, मेटे मिक्सर है क्यूपरस सल्फाइड डॉट आयरन सल्फाइड ठीक है जी, ये हमारे पास मिक्सर है। अब आप क्या करोगे कि इस पियर शेप कन्वर्टर में आपने क्या डाल दिया है, सी यू टू एस डॉट एफ ठीक है एफ ई एस, और इसको क्या कर रहे हो आप ऑक्सीडाइज। अब देखो अब इनको ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या इनकी प्रोडक्टिविटी होगी, क्या आपको इससे मिलेगा, दैट इज अ बिग क्वेश्चन राइट। स्टूडेंट्स एक बात को याद रखिएगा कि सिर्फ हमने मेटे नहीं लेना बल्कि साथ सैंड फ्लक्स भी यूज करना है ठीक है। सैंड फ्लक्स जो है दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड वंस अगेन, और इसमें ना हमने इस कन्वर्टर में एक और चीज ऐड करनी है, दैट इज नोन एज एयर ट्यूअर्स ठीक है, ट्यूअर्स का हम इस्तेमाल करेंगे ठीक है। अब आपको पता है कि ये मिक्सचर है और इसमें सैंड फ्लक्स भी हमने डाल दिया हुआ है, तो वही सीन होने वाला है कि जो हमारे पास एक मेटल है यानी आयरन सल्फाइड है वो पहले ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होने के बाद वो आयरन ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, और फिर ये जो आयरन ऑक्साइड है यानी मिक्सचर में हमारे पास अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी है, जब ये ऑक्सीडाइज होगा इसमें स्पेशली ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये बन जाएगा FeO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये FeO किससे मिल जाएगा, सैंड फ्लक्स से मिल जाएगा यानी सैंड से मिल जाएगा, और फिर दोबारा आपको क्या मिलेगा, स्लैग मिलेगा FeSiO3 यानी स्लैग, आयरन सिलिकेट हम इसको कहेंगे और इसके साथ इसको आप स्लैग भी बोल सकते ठीक है। और अब मैं आपको यहाँ बताना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो स्लैग है ना ये स्लैग जो है आप अलहदा कर लोगे, उसके बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन है दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब उसमें क्या है कि क्यूपरस सल्फाइड है ठीक है, वो फिर ऑक्सीडाइज होगा, फिर बनेगा Cu2O प्लस SO2 इन सल्फर डाइऑक्साइड। अब लास्ट टाइम तो ये हुआ था कि क्यूपरस ऑक्साइड जो थी वो रिएक्ट कर गई थी बचे हुए आयरन सल्फाइड के साथ, अब आयरन सल्फाइड मिक्सचर में नहीं है, समझ लें कि टोटली क्या हो गया, खत्म हो गया, ये है ही नहीं। तो क्या होगा सीन कि ये हमारे पास जो क्यूपरस ऑक्साइड बना है, लेट्स से दैट कि आयरन क्यूपरस सल्फाइड जो है ये ऑक्सीडाइज हुआ और ये बना Cu2O और साथ बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। अब इस Cu2O क्या करेगा, बचे हुए क्यूपरस सल्फाइड से रिएक्ट कर जाएगा, यानी Cu2O जो है वो बचे हुए क्यूपरस सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करने के बाद क्या सीन होने वाला है, ये कॉपर जो है ये रिलीज हो जाएगा और साथ क्या बन जाएगा, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये कॉपर जो आपको हासिल होगा
ये समझ लेंगे जब इसको टिल्ट करेंगे, जैसे सांचा टिल्ट करते हैं लाइक दिस, तो आपको यहाँ पे जो है कह लेंगे एक कलेक्टिंग बॉक्स होगा, उसमें आपको ऐसे ही मिलेगा जैसे खीर नहीं डालते आप प्लेट में तो उसमें बुलबुले से निकलते हैं, या खीर पकती है तो बुलबुले होते हैं, तो इस तरह के बुलबुले से इसमें बने हुए होंगे ये कॉपर के, ठीक है। तो इसको आप नाम दोगे ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है जी। इसको नाम क्या दिया जाएगा? ब्लिस्टर कॉपर। तो ये जो ब्लिस्टर कॉपर है ये आपको हासिल होगा। और स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है आपने कि जो ब्लिस्टर कॉपर होता है वो 98% प्योर होता है। तो अगर आप ये बात याद रखेंगे तो बोर्ड में आपका एक एमसीक्यू भी हल हो जाएगा, एक शॉर्ट भी हल हो सकता है कि व्हाट इज ब्लिस्टर कॉपर, हाउ इट इज ऑब्टेन्ड। तो आप ये लिख सकते हो कि बेसमर कन्वर्टर पीरियड शेप्ड जो ब्लास्ट फर्नेस होता है उसके अंदर जो है ये इक्वेशन लिख सकते हो आप। इस इक्वेशन से क्या शो होगा कि आप उनको बता रहे हो कि ब्लिस्टर कॉपर जो है वो कैसे बनता है। बाकी इसको आप बैलेंस कर लो, दो मोल तीन मोल और नीचे से आपने बैलेंस करना है इसको, दो मोल और 2161, ठीक है। बैलेंसिंग इन दी एंड आप कर सकते हो, लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसमें मजीद स्लैग बनेगा, स्लैग कसाफत में ऊपर होगा। पहले आप स्लैग निकाल लोगे, स्लैग यानी ऊपर आ जाएगा ना पीयर शेप में, तो उसको आप अलहदा पहले करो। जैसे हम मलाई हटाते हैं दूध से, तो स्लैग निकल गया, पीछे क्या रह गया? कॉपर। कॉपर फिर आप जब निकालोगे तो वो ऐसे गिरेगा जैसे खीर डालते हो आप उबलती हुई किसी प्लेट में, तो इस तरह सांचे में आप डालोगे इसको, खीर तो नहीं होगी, ये कॉपर होगा, पिघला हुआ कॉपर, यू नो वेरी डेंजरस। तो ये आप हासिल करोगे बुलबुले से बन रहे होंगे उस कॉपर के। और पता है वो बुलबुले क्यों बन रहे हैं? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है ना साथ, तो वो निकल रही होगी उसमें से, तो दैट इज क्वाइट, जैसे वो गुड़ होता है ना, गुड़ को आपने कभी देखा हो, गन्ने का जो रस होता है, गन्ने के रस को अगर थोड़ा सा गर्म करें तो गुड़ बनता है। उसी तरह से आप कह लो कि ये गुड़ की तरह का एक लेवी सी बनेगी और उसको आप ब्लिस्टर कॉपर का नाम दोगे। सो ये स्टोरी थी स्टूडेंट्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की, जिसमें आपने 98% कॉपर हासिल कर लिया है। तो पहले क्या किया था? पहले रोस्टिंग की थी। रोस्टिंग से आपको क्या मिला था? रोस्टिंग से आपको मिला था मिक्सचर, विच इज Cu2S.FeS, ये मिक्सचर था। और फिर यही मिक्सचर आपको दोबारा मिला था Cu2S.FeS, इसको आपने मेटे ही नाम दिया था। ये रोस्टेड मिक्सचर था जो रोस्टिंग के बाद मिला था, लेकिन ये मिक्सचर वही फॉर्मूला होगा, लेकिन इसको आपने बाद में स्मेल्टिंग से हासिल किया था, इसको मेटे कहेंगे। इस मिक्सचर को आपने फिर जब सैंड फ्लक्स के साथ यूज किया यहाँ पे बेसमर कन्वर्टर में, तो आपको मिला कॉपर, राइट? आपको क्या मिला? कॉपर, जो कि था 98% प्योर कॉपर। तो ये बेसमराइजेशन का रिजल्ट है। तो स्मेल्टिंग का रिजल्ट मेटे है, बेसमराइजेशन का रिजल्ट ब्लिस्टर कॉपर है, और एक यू नो मिक्सचर है, रोस्टेड मिक्सचर है रिजल्ट रोस्टिंग का। तो उनकी इक्वेशंस भी मैंने आपको सिखा दिया है, होप आपको ये अब समझ में आ गया होगा। दो दफ़ा वीडियो देख लें, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह आपको वीडियो से ही फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस पे, और वो है रिफाइनिंग। लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लिहाजा मैं रिफाइनिंग जो है आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ही केमिस्ट्री और बायोलॉजी आसान कर दूंगा आपकी, राइट? सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखना है आपने, और दुआ में याद रखिएगा, थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा।